आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। बस हाईजैक मामले में आगरा सहित समूचे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। बस हरियाणा गुड़गांव से मध्य प्रदेश जा रही थी। एक्सयूवी गाड़ी सवार 5 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र में पड़ने वाले दक्षिण बाईपास पर दिया गया था। मामला रुपयों के लेन देन का सामने आया है। बस को भी बरामद कर लिया गया है। बस हाईजैक मामले में आगरा पुलिस के साथ साथ समूचे प्रदेश की पुलिस में हड़कंप मच गया था। मामला आगरा के थाना मलपुरा के दक्षिण बाईपास का है। जानकारी के मुताबिक कल्पना ट्रेवल्स की बस UP 75U 3516 हरियाणा गुरुग्राम से आगरा होकर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले जा रही थी। दक्षिण बाईपास पर XUV गाड़ी सवार 5 लोगों ने बस के आगे अपनी गाड़ी को खड़ा किया और बस को रोक लिया। बस में दाखिल हुए लोगों ने अपने आप को श्रीराम कंपनी का फाइनेंस कर्मी बताया था। ड्राइवर, क्लीनर और कंडक्टर को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। बस कंडक्टर का कहना था कि रमाडा इनर रिंग रोड पर बालाजी ढाबा पर खाना खाया, उसके बाद तीनों लोगों को कुबेरपुर पर छोड़कर भाग गए। कंडक्टर का कहना था कि बस को ले जाने वाले किस्त बकाया होने की बात कह रहे थे। अब मैं तो सो रहा था, कोसी ढाबा में खाना खा के ड्राइवर चला रहा था। ये हाईवे में कोई टोल टैक्स है? हाँ, ये हर ऐसे ग्वालियर जा रहे थे हम सीधा हाईवे से, उसी में इन्हें रोक के गाड़ी ले गए। और हमको 4 आदमी थे, वो जेलो कौन सी गाड़ी होती है उसमें बैठा के, हाँ अब मेरे को इतना नहीं, वो चार आदमी थे, वो ज़बरदस्ती बैठा गाड़ी में ले गए। अब मेरे को ज़्यादा नहीं, शमशाबाद धक्का ऐसा कुछ बता रहे थे, हाँ उधर 2-3-4 घंटे मतलब गाड़ी में रखी गई। इसके बाद में कुबेरपुर है, कहा है कुबेरपुर में छोड़ दिया उन्होंने जी। तीन नहीं मारा नहीं, वो जब ले गाड़ी में बैठाया, जब भर थोड़ी मतलब कह रहे थे तुम्हारी मालिक की 8 किस्तें बाकी हैं इस गाड़ी की, और फोन लगाते हैं तो उठाता नहीं। इसके बाद हर तरफ हड़कंप मच गया। बस को कब्जे में उत्तर प्रदेश के आगरा में लिया गया। बस हरियाणा के गुरुग्राम से चली थी। बस को मध्य प्रदेश के पन्ना जाना था। बस ग्वालियर के रहने वाले की थी। इस वारदात ने आगरा पुलिस के होश उड़ा दिए। आनन फानन में आगरा पुलिस की कई टीमें जांच पड़ताल में जुट गईं। झांसी पुलिस कार्रवाई में जुटी थी। ग्वालियर पुलिस ने भी एक प्रेस नोट जारी किया था। देखिए, बस के मामले में हमारी टीम में जो लगी हुई थी उसमें से एक टीम ने एक यात्री से बात करने का प्रयास किया था, और उसके माध्यम से हम लोगों ने ट्रेस करते हुए थाना नौगांव छतरपुर की पुलिस ने उस यात्री को रोक लिया है, उससे बातचीत चल रही है। झांसी के CEO और SO भी वहां पहुंच गए हैं। उस यात्री से पूरी पूछताछ चल रही है। शीघ्र ही जो विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अभी तक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन उसने बताया है कि यहां आगरा में गाड़ी के ड्राइवर को जब हटा लिया गया था उसके बाद गाड़ी आगे गई, यात्री को किसी को जानकारी नहीं हुई। बीच में एक जगह दूसरी गाड़ी में चेंज करने के लिए उसको बताया गया, वहाँ से वो उस गाड़ी में झांसी ले गए और झांसी बस अड्डे पर उतरकर उन्हें दूसरी गाड़ी अपने अपने गंतव्य स्थान के लिए उपलब्ध कराया गया, जहां से वो अपने घर छतरपुर की तरफ जा रहे थे। और भी यात्रीगण उनसे वार्तालाप करने की जो है वो के प्रयास किए जा रहे हैं, और जहां जहां भी वो गए हैं उसके लिए झांसी की टीम भी लग गई है। XUV गाड़ी का नंबर DL12AC2286 है। बस मालिक की अशोक अरोड़ा की मौत कोरोना के चलते हो गई है। SSP ने बताया कि बस को ले जाने वालों की तस्वीरें CCTV कैमरे में आई हैं। मामला बेहद गंभीर है। इस मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। टोल पे जो हमें फोटोग्राफ्स मिले हैं उसके आधार पे जो गाड़ी XUV गाड़ी जिसके द्वारा जो है इस गाड़ी को पीछा किया गया और जिसमें जो लोग थे उन्होंने बस को ले गए हैं, उसमें से एक व्यक्ति की फ़ोटो जो है वो पुलिस को उपलब्ध हो गई है, जिसकी शिनाख्त की कार्रवाई जो है चल रही है। उसके जो बस मालिक है उसको भी भेजा गया है। बस मालिक से भी वार्तालाप हमारी तीसरी टीम कर रही है। उसमें ये जानकारी हुई है कि जो बस के मालिक थे वो उनकी डेथ हो गई कल। उनके बेटे ने ये बताया है कि कुछ लोगों के द्वारा घर पे पैसे की लेनदारी को लेकर आए थे, पूछताछ की थी, पैसे की बात की थी, पैसे देने की बात हुई थी, जिसमें कहा सुनी भी हुई थी। उसमें से संभवतः उसी पैसे की लेनदारी और जो फाइनेंस की गाड़ियां हैं
तो उसके संदर्भ में ये पूरी घटना होगी, जिसके शिनाख्त की जो है कार्रवाई पुलिस की टीम के द्वारा की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बस को ले जाने वालों ने सवारियों के साथ बल प्रयोग नहीं किया, ऐसा बताया गया है, लूटपाट भी नहीं की। देखिए, जो मैंने बताया कि जब ये लोग थाने पर आए, इन्होंने कहा कि जो लोग गाड़ी में बस में घुसे थे, उन्होंने बताया कि हम लोग राम फाइनेंस से हैं और ये गाड़ी पे लोन है, जिसके कारण गाड़ी को कब्जे में लिया जा रहा है, और उसी के क्रम में उनकी पूछताछ के कारण जो है ये सारी सूचनाएं हैं। अभी हम लोग उसको डेवलप कर रहे हैं, इस गाड़ी पर लोन थे, लोन कब पूरे हुए हैं और किनको ट्रांसफ़र किया गया है, इसकी जानकारी की जा रही है। जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई जो है की जा रही है। जी, मैंने जैसा बताया कि जो मालिक है उससे भी हमारी बातचीत चल रही है और उसने कुछ जानकारियाँ दी हैं कि जिन जिन से उनके विवाद थे उनके बारे में जानकारी करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए टीमें रवाना कर दी गई। बस को पुलिस ने इटावा में बरामद कर लिया है। राहत की बात यह रही कि वारदात को अंजाम देने वालों ने सवारियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, अन्यथा बैठे बैठाए आगरा पुलिस के साथ साथ प्रदेश सरकार की मुसीबत बढ़ जाती। बस हाईजैक मामले ने आगरा पुलिस ही नहीं समूचे प्रदेश पुलिस में हलचल मचा दिया। आनन फानन में आगरा पुलिस के आला अधिकारी सक्रिय हुए। बस हरियाणा के गुड़गांव से मध्य प्रदेश सवारियों को लेकर जा रही थी। इसी बीच थाना मलपुरा दक्षिण बाईपास पर फाइनेंस कर्मी के नाम पर लोग सवार होते हैं, जो कि एक्चुअली गाड़ी के अंदर सवार थे। उनकी संख्या 5 बताई जाती है। बस यात्रियों को दूसरी बस में शिफ्ट किया जाता है और बस को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। पुलिस आरोपियों तक जा पहुँची है। ऐसा माना जा रहा है कि मामला लेन देन को लेकर जुड़ा हुआ है। पूरे मामले की तह में पुलिस जाने में जुट हुई है। बहरहाल इस मामले ने सभी के होश उड़ा दिए। अपने साथी अनूप कुमार के साथ राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज़ आगरा।